सदगुरु कबीर की एक साखी है, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। अपने अपने ढंग से लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन भक्ति करते हैं और धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक प्रकार के रीति रिवाज कर्मकांड का पालन करते हैं। जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी श्रद्धा, उस ढंग से आदमी जो जितने भी लोग धर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं सब कुछ न कुछ करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। धर्म क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनमें से अधिकतम लोग किसी संत से, किसी गुरु से, किसी महात्मा से जुड़े हैं, दीक्षित हैं और जिनको जिनके गुरु ने जैसा रास्ता बताया है, जैसा ज्ञान दिया है, उसके ढंग से वे जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए बहुत से लोग अनेक प्रकार की बुराइयों से, गलतियों से, पाप कर्मों से बचे रहते हैं। सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं, गुरु के शिष्य हैं, सत्संगी हैं, हमें यह सब गलत काम नहीं करना चाहिए। अच्छा है, इन सबसे जीवन में शांति आती है, शीतलता आती है और धर्म मार्ग में लगने का यही फल भी है। ज्यों ज्यों जीवन बीतता जाए त्यों तो जीवन निर्विकार, निर्मल, शांत और शीतल होता चला जाए। यदि जीवन निर्मल नहीं हुआ, निर्विकार नहीं हुआ और मन में शांति शीतलता का अनुभव नहीं हुआ तो धर्म मार्ग में लगने का कोई फल नहीं हुआ। सारा करना धरना बेकार चला गया। कोई आदमी बड़ी मेहनत से कुएं से पानी निकाले लेकिन पानी खेत में न जाकर बंदर जमीन में चला जाए तो उसकी इतनी मेहनत करने का फल क्या हुआ। बहुत पूजा किए, बहुत पाठ किए, बहुत साधनाएं किए, बहुत तीर्थों में घूमे, अनेक संतों के पास जाकर के ज्ञान श्रवण किए लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ, निर्विकार नहीं हुआ, शांति सुख शीतलता का अनुभव नहीं हुआ तो सारा का सारा प्रयत्न बंजर में पानी देने के बराबर हुआ। थोड़ी बहुत कुछ सफलता मिलती है तो हम उतने में रुक जाते हैं, आगे विकास करना, आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। इस साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु मिला तब जानिए, हमें गुरु मिल गए हैं, गुरु से हमें ज्ञान मिला है, इसकी पहचान क्या है। देखा देखी तो बहुत से लोग गुरु से जुड़ जाते हैं, गुरु की बड़ी प्रसिद्धि है,
बड़ी महिमा है, गुरु बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वैराग्यवान हैं, अन्य जो योग्यताएं हैं विशेषताएं हैं गुरु में हैं, तो लोग सोचते हैं कि ऐसे गुरु से हमें भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। दीक्षा ले ली, लेकिन किसी बड़े गुरु से दीक्षा ले लेने मात्र से क्या हुआ? यदि उस गुरु का ज्ञान जीवन में आचरित नहीं हुआ, जिस गुरु से प्रभावित होकर हमने उनसे दीक्षा ली है, उस गुरु की विशेषता उसके ज्ञान त्याग और वैराग्य के कारण है, न कि उसके धन मठ और शिष्यों के कारण। और गुरु का वह ज्ञान, गुरु का वह त्याग, गुरु का वह जो वैराग्य, गुरु के जो उज्ज्वल रहने हमारे जीवन में नहीं आए, तो दीक्षा लेना मात्र एक दिखावा ही हुआ। एक अहंकार आ सकता है कि हम इतने बड़े गुरु के चेले हैं, और कई लोग कहते भी हैं, अरे हम बहुत बड़े के गुरु के शिष्य हैं, फलाने हमारे गुरु हैं। ठीक है, तो उससे गुरु की विशेषता हुई ना, आपकी विशेषता तो कुछ नहीं हुई। साहब कहते हैं ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम गुरु से दीक्षित तो हो गए हो, तुम्हें सही गुरु मिल गए हैं, अब गुरु ने तुम्हें सही रास्ता बता दिया है, इसे मैं कैसे मानूं? साहब को तो इसकी पहचान है, मिटा मोह मन ताप। जब तुम्हारे मन का मोह मिट जाए और मन की पीड़ा मिट जाए, तो मैं समझूंगा कि तुम्हें सच्चे गुरु का ज्ञान मिला, तुम सच्चे गुरु के शिष्य हुए हो। और अभी मोह नहीं मिटा, अभी भी वही आसक्ति है, अभी भी वही ललक है, अभी वही राग, वही द्वेष, तो कैसे समझा जाए कि तुम गुरु से दीक्षित हो गए हो? कौन नहीं जानता है कि हमारे मन का जो राग है, हमारे मन की आसक्ति है, हमारे मन का मोह है, कहीं आकर्षण है, एक ललक है, दुनिया के भोगों से सुख पाने की ललक, कामना, एक तृष्णा है, यही तो हमारे दुख का कारण होता है। और आज तक नहीं, अनेक बार हम ठोकरें खा चुके हैं, धोखा भी खा चुके हैं, फिर भी हमारी ललक समाप्त नहीं हुई है। दुनिया के प्रति जो आकर्षण था, अभी वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, अभी भी थोड़ी थोड़ी आकर्षक वस्तुओं को देख करके मन बच्चे के मन के समान चंचल बन जाता है। और जैसे आकर्षक वस्तुओं को देखकर बच्चे मचलने लगते हैं, चीज नहीं मिलती है तो रोने लगते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं, हमारा मन भी वैसे ही मचल रहा है, हमारा मन भी वैसे ही हाथ पैर पटक रहा है, अंदर अंदर पीड़ित हो रहा है, तो धर्म मार्ग में लगने का फल क्या हुआ? गुरु से दीक्षा लेने का फल क्या हुआ? जीवन जिए, लेकिन कहीं मोह ना करें। अभी कुछ देर पूर्व ब्रह्मचारी देवेंद्र जी कह रहे थे कि जितने संबंध जुड़ते हैं, सारे के सारे संबंध टूटते हैं, कोई ऐसा संबंध नहीं हुआ है जो टूटा ना हो, लेकिन संबंध जोड़ने का अर्थ क्या, उसकी सार्थकता क्या है? जब तक संबंध है
टूटने के पहले तक चाहे विचारों में फर्क होने से संबंध टूट जाए, चाहे स्वाभाविक रूप से जीवन यात्रा में अलग अलग रहना पड़े तो संबंध टूट जाए, या किसी का शरीर नहीं रह गया तो संबंध टूट जाए, तो संबंध टूटने के आखिरी क्षण तक संबंधित व्यक्ति के मन में हमारे लिए प्रेम बना रहे, ये संबंध की सार्थकता है। संबंध बनाओ तो प्रेम से बनाओ, संबंध को निभाओ तो प्रेम से निभाओ, संबंध को तोड़ो तो प्रेम से ही तोड़ो। वैसे संबंध तोड़ लिया यदि आपने, जीवन भर आपके मन में खटक रहेगी, जीवन भर आपको दुखी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बैर की गांठ मन में पड़ गई है। और जब जब उस व्यक्ति की याद आएगी तब तक आपके मन में दुख होगा, पीड़ा होगी। इसलिए संबंध तोड़ना भी पड़ गई, विचारों में अंतर आ गया संबंधित व्यक्ति से और लगा कि अब संबंध निभाया नहीं जा सकता अधिक दिन तक, तो परस्पर बैठकर प्रेम से विचार करके संबंध तोड़ दो और अलग अलग हो जाओ, यह संबंध की सार्थकता है। लेकिन संबंध बना रहता है, साथ साथ लोग रहते हैं, प्रेम नहीं रह जाता है, मजबूरी बस लोग साथ निभाते हैं, यह संबंध की सार्थकता नहीं है। तो संबंध तो रहेगा ही जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संबंध से बिल्कुल खाली हो जाए बाहरी बाह्य तौर पर। संबंध जोड़ो, किसी से संबंध बनाओ, लोगों के साथ रहो, लेकिन प्रेम पूर्वक रहा जाए, मोह बना करके नहीं। और जहां मोह आएगा, जरा सी प्रतिकूलता मिलेगी तो जिससे मोह है उससे ऐसा बैर होगा कि देखने का मन भी नहीं होगा। अब प्रत्यक्ष संसार में ऐसी घटनाएं घटती है। एक क्षण ऐसा था कि जिसके बिना एक क्षण रहना मुश्किल था, अब जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि जिसके साथ एक क्षण रहना मुश्किल हो गया है। क्यों? मोह बैर में बदल गया, लेकिन प्रेम बैर में नहीं बदलेगा। प्रेम लेना नहीं जानता, प्रेम देना जानता है। और शारीरिक आकर्षण के कारण से मोह होता है, जिसे लोग प्रेम कह दिया करते हैं, उसके टूटने में विलंब थोड़े लगता है। शारीरिक आकर्षण प्रेम, प्रेम नहीं, एक वासना है। आजकल युवक युवती की शादी होती है, सब समय होती रही है, आज भी हो रही, आगे भी होगी। आज का युवक शादी करता है तो क्या सोचता है? बिरले ऐसे युवक सोचते होंगे कि मुझे जो पत्नी मिले वो सुसंस्कारी हो, सुशिक्षित हो, विनम्र स्वभाव के हो। अधिकतर संबंध क्या जरूर देखा जाता है? लाइट, हाइट और वेट। लाइट चेहरे की चमक, हाइट और वेट शरीर की बनावट, बस यही देखा जा रहा। और यहां जहां यह देखा जाएगा कुछ दिन में संबंध में खटास आएगी। इसलिए लाइट ना देखो, हाइट ना देखो, व्यवहार देखो, गुण देखो, मन मन की कोमलता देखो। और जहां यह होगा वहां संबंध में खटास नहीं आएगी, वहां संबंध जब तक रहेगा तो प्रेम पूर्वक रहेगा। तो मैं कह रहा था कि संबंध तो करो, लोगों से संबंध जोड़ो, लेकिन मोह कहीं ना बनाओ। मोह कहीं बनेगा
तो अंत में उसका परिणाम कहीं ना कहीं बैर के रूप में आएगा ही आएगा। एक उदाहरण भी याद आता है मुझे, एक युवक एक युवती साथ साथ पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते दोनों में परस्पर मिलना जुलना हुआ, मिलना जुलना अधिक परिचय में बदला, परिचय आकर्षण में बदला और उस आकर्षण की परिणति शादी में हुई। दोनों की शादी हो गई। अब शादी के शुरुआत पहले दिन ही घर पर थोड़े होती है कि बस बहु घर में आयो और खटपट शुरू हो गई। उस समय दोनों के मन में रहती है उमंग, उल्लास की भावना, दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आकर्षित। शादी के 2-3 दिन बाद युवक युवती से कहता है कि तुम्हारे बिना तो मैं एक दिन भी रह नहीं पाऊंगा। युवती कहती है तुम तो एक दिन की बात कहते हो, तुम्हारे बिना तो मैं एक क्षण भी रह नहीं पाऊंगी। बहुत बढ़िया, अरे जिंदगी भर ऐसा बना रह जाए तो धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन बाहर का आकर्षण कब तक टिकेगा, शरीर की वो लाइट कब तक बरकरार रहेगी। कुछ दिन बीते, दोनों के विचारों में परस्पर टकराव होने लगा और टकराव बढ़ते बढ़ते झगड़े और विवाद के रूप में बदल गया। एक दिन दोनों बैठे थे, किसी बात को लेकर तकरार हुई दोनों में। तकरार जब बढ़ गई तो युवक ने कहा तुम्हारे साथ तो अब मैं एक दिन नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ मेरा जीवन नरक बन गया। युवती कहती तुम्हारे साथ मैं एक क्षण रह नहीं सकती हूं, तुमने मेरे जीवन को नरक बना दिया। जिसके बिना एक क्षण नहीं रहा जा सकता था, उसके साथ एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। कैसा जीवन है। मोह का परिणाम, आकर्षण का परिणाम, वासना का परिणाम यही होगा, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता है। प्रेम और मोह और वासना को जब लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। प्रेम बिल्कुल ही अलग है, मोह और वासना बिल्कुल ही अलग है। तो मैं अपने मूल स्थान पर आऊं। साहब कहते हैं कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो, धार्मिक हो, भक्त हो, सत्संगी हो, इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि तुम्हारे मन का मोह मिट जाए। दुनिया से सुख पाने की जो ललक है, दुनिया के प्रति जो आकर्षण है, यह आकर्षण मिट जाए। सहज व्यवहार तो करना पड़ेगा जीवन भर, व्यवहार को छोड़ा नहीं जा सकता। विरक्त से विरक्त महात्मा को भी व्यवहार करना होता है, लेकिन व्यवहार सहज हो, प्रेम का व्यवहार हो, जो अनुकूल रहते हो उन्हें उनके साथ भी प्रेम, जो प्रतिकूल जान पड़ते हैं उनके साथ भी प्रेम। और हमें यह समझना होगा हमारा कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, लोग अपने अपने मन के अनुसार बरत रहे हैं बस। अब उसमें से हमारे विचार के अनुसार नहीं होता, हम मान लेते हैं प्रतिकूल है, जिसे हम प्रतिकूल मानते हैं वह भी अपने मन के विवश है, जिन्हें मानो अनुकूल मानते हैं वह भी अपने मन के विवश है। दोनों अपने अपने मन के अनुसार बरत रहे हैं। हमारे जैसे हमारे पास खुद का मन, हम अपने अनुसार से बरत रहे हैं, वैसे दूसरे बरत रहे हैं। तो जो अनुकूल व्यवहार करते हैं, जिन्हें जो अनुकूल जान पड़ते हैं, उनके प्रति राग ना हो,
प्रतिकूल जान पड़ते हैं उनके प्रति द्वेष ना हो, दोनों से सहज तटस्थ उदासीन, कहीं जोड़े अनुकूल मानकर जोड़े प्रतिकूल मानकर जोड़े, ठोकर लगेगी चाटे खाना पड़ेगा। हम मोह से भी अपने को जोड़ते हैं और बैर से भी अपने को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मोह से हम अपने को जोड़ते हैं, मोह भी लाता है बैर भी लाता है। फर्क इतना है, मोह दो व्यक्तियों को आमने सामने से जोड़ता है और बैर दो व्यक्तियों को पीठ की तरफ से जोड़ता है, बस इतना ही है, जुड़े हुए दोनों। क्योंकि जिसके प्रति मोह है उसका जब ख्याल आता है तब मन बेचैन हो जाता है, कब उससे मिलूं, कब उसको देखूं, और जिसके प्रति बैर है उसका जब ख्याल आता है तब मन क्रोध से जल जाता है, कब उसका नाश हो। दोनों में मन विकारी बना, दोनों में मन चंचल बना, और दोनों हमारे लिए बंधन के कारण बने, दुख का कारण बने। तो मोह भी बंधन के कारण है, मोह भी दुख देता है, बैर भी दुख देता है। इसलिए हमारे मन में जो एक बनी है ललक, मन में जो बना है आकर्षण, आकर्षण से ही तो मोह होता है। साहब कहते ये मोह मिट जाए, ये आकर्षण मिट जाए, सुख पाने की जो भावना है यह भावना मिट जाए, तब समझो कि तुम किसी गुरु के सही अर्थों में शिष्य हुए हो, उनसे दीक्षित हुए हो। और दीक्षा लेने के बाद आकर्षण बढ़ता गया। हाँ, यदि आकर्षण ज्ञान के प्रति बढ़े, यदि आकर्षण धर्म के प्रति बढ़े, धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ने का अर्थ वो पूजा पाठ के प्रति, बाहरी कर्मकांड के प्रति आकर्षण नहीं, सात्विकता के प्रति आकर्षण। धर्म को हम कर्मकांड से प्रायः जोड़ दिया करते हैं, और जो अधिक कर्मकांड में लगा रहता है वो तो चरचर घंटा मानते, वो बड़ा धार्मिक आदमी है, लेकिन धार्मिकता की पहचान नहीं है। धार्मिकता की पहचान तो जीवन की सात्विकता है, जीवन की सरलता है, जीवन की निष्कपटता है। यदि हमारा मन सरल है, निष्कपट है, सात्विक है, कोमल है, तो जीवन में धर्म का स्थान है, जीवन धर्म जीवन में उतर रहा है। यदि ऐसा नहीं, छल है कपट है, तो कहां धर्म है? छल कपट और धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। तो आकर्षण भी बढ़ना हो तो गुणों के प्रति बढ़े, जीवन की सरलता और पवित्रता के प्रति बढ़े तो सहज ही शांति मिलेगी। साहब कहते भी हैं, मिटा मोह मन ताप, मन का ताप मिट जाए। हर आदमी अपने मन के ताप से पीड़ित है। साहब कहते हैं, साधु वीरस सद ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जर मरता संसार। सभी लोग मनस्ताप से पीड़ित हैं, उस मनस्ताप से बचने के लिए ही संतों की शरण में गए हैं। संतों की शरण वह शीतल छाया है जहां से संतारिकता के ताप से जलते हुए मन को शांति मिलती है, और उनके पास जाकर के भी मन का ताप दूर नहीं हुआ, मन की पीड़ा दूर नहीं हुई। गर्मी में हम रास्ता चल रहे हैं, ऊपर की गर्मी है, नीचे की गर्मी है, जमीन तपी हुई, ऊपर से सूरज तप रहा है, ऐसे समय में रास्ता चलना हो रहा है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी परेशानी है। रास्ता चलते चलते दिखाई पड़ा एक बड़ा पेड़, दिखाई पड़ी छाया, तो उस गर्मी से राहत पाने के लिए हम उस छाया में गए, और छाया में जाने के बाद यदि हमारी गर्मी और अधिक बढ़ जाए तो भी छाया का मतलब क्या हुआ?
तो मन के ताप से बचने के लिए तो गुरु की शरण में गए हैं और ताप मिट नहीं रहा है, तो खाली बाहर बाहर से शरण में गए हैं, मन अभी शरण में नहीं गया है, मन तो दुनिया की तरफ ही खींचा हुआ है, और दुनिया की तरफ खींचे हुए मन को पीड़ित तो होने से कोई बचा नहीं सकता है। और हमारा हाल ऐसा ही होता है, बाहर से हम भक्त दिखाई पड़ते, सत्संगी दिखाई पड़ते हैं, और अंदर से संसारी बना रहता है मन, अंदर से विकारी बना रहता है मन, तो ताप मिटे कैसे? जब तक भीतर और बाहर एक नहीं होगा, साहब ने कहा है मुख कछु और हृदय कछु वाना, सपने काहू मोह नहीं जाना, जिसके मुख में कुछ और है हृदय में कुछ और है, सपने में भी वह शांत सुख नहीं प्राप्त कर सकता, मुख हृदय जाके एके होई, कहीं कबीर पद बूझे सोई। साहब कहते जिसके मुख में और हृदय में एक जैसी ज्ञान की बात है, ज्ञान की रहनी है, जैसे मुख से कहा जा रहा है हृदय में धारणा भी वैसी है, तब वही शांत सुख का अनुभव कर सकता, वही परमात्म तत्व को समझ सकता है। लेकिन मुख में और हृदय में कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरी, तो शांति कहाँ मिलेगी, परमात्मा कहाँ मिलेगा? इसलिए भीतर बाहर एक, भीतर सफा बाहर सफा, तिस्कर साहेब काहे खफा। एक सहज देहाती भाषा में हमें बताया गया है, भीतर भी साफ बाहर भी साफ, तो साहब खफा क्यों होंगे? भीतर गंदा बाहर सफा साफ, ये दोरंगापन जब तक मिटेगा नहीं, मन का ताप मिटेगा नहीं, मन की जलन मिटेगी नहीं, इस दोरंगापन को मिटाना पड़ेगा हमें, एक रंग में रंग जाना पड़ेगा। सुनते हैं आप अनेक बार भजन, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, काया रखने रंगने का मन क्या है? काया का अर्थ है मन को रंगना, अब मन रंगा नहीं, रंग ले काया को, तो मन ना रंगाए और रंगाए जोगी कपड़ा, तो फायदा कुछ नहीं हुआ। इसलिए भीतर से भी समर्पित बाहर से भी समर्पित, भीतर बाहर एक, तब मन का ताप मिटेगा, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। और जीवन ऐसा जियो कि मान में सम्मान में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, जय में पराजय में, हानि और लाभ में, सभी परिस्थितियों में हमारा मन संतुलित बना रहे, हर्ष और शोक के द्वंद में, हर्ष और शोक के झूले में मन झूलता ना रहे। जिसका मन थोड़े में हर्षित हो जाता है, थोड़े में शोकित हो जाता है, थोड़े में ही एकदम आकाश में उछलने लगता है, और थोड़े ही बिल्कुल जमीन में लौटने लग जाता है, ऐसा आदमी का जीवन एकदम कच्चा है। ये हमारे अधूरेपन, हमारे भीतर की कमजोरी की पहचान है। हमें धीरे धीरे ही सही अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि सभी परिस्थितियों में हम सम रह सकें, और जो सभी परिस्थितियों में सम रहना सीख लिया, अनुकूलता में प्रतिकूलता में मान और सम्मान में, वह स्वयं गुरु बन गया। जीवन ऐसा है कि ना अनुकूलता से बचा जा सकता है, ना प्रतिकूलता से बचा जा सकता है, न सम्मान से बचा जा सकता है, न अपमान से बचा जा सकता है, न हानि से बचा जा सकता है, न लाभ से बचा जा सकता है, न बाहरी सुख से बचा जा सकता है, न दुख से बचा जा सकता है। ये सब तो आना ही आना है, ये तो संसार चक्र घूम रहा है, ये सब दुख तो आना ही आना है,
लेकिन इन द्वंद्वों के बीच हमारा मन अचल हो, स्थिर हो, शांत हो।